हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास एट के लिए हमने स्टार्ट की थी क्वेश्चन चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर जो फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की क्वेश्चन आंसर देखे थे। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है जिम टॉक्स अबाउट एन इंसिडेंट दैट हैड जस्ट हैपन एट द फ्रंट, व्हाट वॉज इट। तो जिम ने जो बात की थी इंसिडेंट के बारे में जो हुआ था, तो ये क्या था। आंसर लिखेंगे, इंग्लैंड एंड जर्मनी वर एट वॉर विद ईच अदर, द ब्रिटिश सोल्जर्स वर वेटिंग टू शूट द जर्मन सोल्जर, बट ऑन क्रिसमस अ स्ट्रेंज डेवलपमेंट टुक प्लेस, द जर्मन सोल्जर्स केम आउट ऑफ देयर हिडिंग प्लेस एंड कॉल्ड आउट हैप्पी क्रिसमस, दे वर अनआर्म्ड एंड दे वेव अ वाइट फ्लैग, द ब्रिटिश सोल्जर्स लेड बाय कैप्टन जिम मैकफर्सन एग्रीड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल टुगेदर। तो जो वॉर चल रहा था इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, और ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो वेट कर रहे थे जर्मन सोल्जर्स को मारने का, बट एक ही जो क्रिसमस के दिन एक बहुत बड़ा स्ट्रेंज होता है वहाँ पर, कि जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं वो बाहर आते हैं और वो हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं सभी को, तो और वाइट फ्लैग को वेव करते हैं यानी लहराते हैं। तो ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं, जो जिनके कैप्टन थे जिम मैकफर्सन, वो एग्रीड होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए जो फेस्टिवल होता है आपस में। तो ये इंसिडेंट था जो कि उन्होंने अपने लेटर में लिखा था। तो इस तरह से डन होता है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह हम और भी बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।